सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और निष्कासित करने के बाद उन्होंने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई। कार्यकर्ताओं की और नेता समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ रही। इस दौरान इमरान मसूद ने यह तो ऐलान कर दिया कि वो सहारनपुर से अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर यह नहीं बताया कि आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किस राजनीतिक पार्टी के साथ जा रहे हैं। अभी तक आपको बता दें कि इमरान मसूद की तरफ से कोई जानकारी इस मसले पर नहीं दी गई है। अब खबर आपको बता दें कि यह चल रही है कि पिछले दिनों इमरान मसूद ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की थी। ये खबरें आपको बता दें कि लगातार चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद की पिछले दिनों बैठक हुई थी, आपस में आपको बता दें कि बैठक हुई थी, और इस बैठक के बाद यह साफ नजर नहीं आ रहा कि आखिर किस राजनीतिक दल के साथ जाया जाए। इमरान मसूद ने कहा कि वो अक्टूबर में इसका फैसला करेंगे, लेकिन खबर यह मिल रही है कि इमरान मसूद चंद्रशेखर आजाद की जो मुलाकात थी उसके बाद यह खबर मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ भी जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब इमरान मसूद ने कहा कि वो सहारनपुर से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की उस बैठक में बहुत बड़ी तारीफ की थी। चंद्रशेखर आजाद की खुले मन से तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे देश भर के अंदर सहारनपुर का एक नया लड़का पूरे जुनून और जोश के साथ दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज उठा रहा है, अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहा है। ऐसे नौजवान साथी की आज की तारीख में हमें जरूरत है। तो इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो इमरान मसूद जयंत चौधरी के साथ जा सकते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेटों के साथ। अब तक आप चले थे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर